अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी। नंबर वन, स्नीज यानी हमारी छींक की रफ्तार 140 किलोमीटर पर आर होती है और हमारी खांसी की रफ्तार 80 किलोमीटर पर आर होती है। अगर आप बीमार हैं और आप किसी के सामने खांसते या छींकते हैं तो हो सकता है कि आपका इन्फेक्शन सामने वाले को भी लग जाए, इसलिए हमें खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह को कवर करना चाहिए और इसे एक गुड हैबिट भी कहा जाता है। नंबर टू, हर इंसान छींकने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा क्यों करता है? क्या कभी आपके माइंड में ये सवाल आया है? दरअसल जब हम छींकते हैं तो उतनी देर के लिए हमारा दिल खून को पंप करना बंद कर देता है, यानी एक तरह से हमारा दिल काम करना ही बंद कर देता है। नंबर थ्री, 70 साल की उम्र तक इंसान 12,000 गैलन से भी ज्यादा का पानी पी लेता है। इतने पानी से एक बड़ा स्विमिंग पूल भरा जा सकता है। नंबर फोर, आपको ये जानकर हैरानी होगी, जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त उसकी आंखें जितनी बड़ी होती हैं उतनी बड़ी ही उसकी आंखें रहती हैं जिंदगी भर, बड़ी और छोटी नहीं होती। लेकिन हमारे कान और नाक दो ऐसी चीजें हैं जो उम्र के साथ साथ बढ़ती रहती हैं हमारे मरने तक। नंबर फाइव, बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो कलर्स को नहीं देख पाते, पैदाइश के वक्त उनको सिर्फ काला और सफेद कलर ही नजर आता है। नंबर सिक्स, क्या आपको पता है कि आपका कंकाल हर 10 साल में बदल जाता है, यानी हर 10 साल बाद हमारी बॉडी को नया कंकाल मिलता है। नंबर सेवन, आपने ये बात तो सुनी होगी कि ज्यादा खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। अगर आप हमेशा ज्यादा खाना खाते हैं तो इससे आपके सुनने की कुव्वत कम हो जाती है। नंबर एट, क्या आप जानते हैं आपके मुंह में हर रोज ऑलमोस्ट 1 लीटर सलाइवा यानी थूक बनता है। नंबर नाइन, एक रिसर्च के मुताबिक जिस इंसान को ख्वाब ज्यादा आते हैं उस इंसान का माइंड आम लोगों से ज्यादा तेज काम करता है। नंबर टेन, क्या कभी आपने सोचा है डैंड्रफ होती ही क्यों है? चलो आज इसके पीछे की साइंस भी समझ लो। मेलासिजा ग्लोबोसा फंगस रिस्पॉन्सिबल है। अब आप सोच रहे होंगे ये फंगस हमारे सर पर आती ही क्यों है? दरअसल ये फंगस जनरली हर इंसान के सर पर होती है। हमारी बॉडी एक खास तरह का ऑयल प्रोड्यूस करती है जिससे स्किन और हमारे बाल मॉइस्चराइज रहते हैं। कुछ लोगों की स्किन पर ये फंगस बहुत ज्यादा मकदार में होती है और ये हमारी बॉडी से निकलने वाले ऑयल को खाती रहती है और इस ऑयल को डाइजेस्ट करके ओलिक एसिड प्रोड्यूस करती है और यही एसिड 6-7 दिन के बाद डैंड्रफ की शक्ल इख्तियार कर लेती है जिससे खारिश भी होती है। अब तो आप समझ गए होंगे कि डैंड्रफ कहाँ से आता है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए शुक्रिया।